मुखर्जी कितने अच्छे आदमी थे। हाँ, मैं भी मिला था उनसे, वो जो भी बोलते थे सच हो जाता था। ऐसा किसने किया होगा उनके साथ? किसी ने मजाक तो नहीं किया? नहीं सर, फोन पे तो सीरियस लग रहे थे। पंकज, इतने साल हो गए सीआईडी की ड्यूटी करते करते, लेकिन ऐसा केस मैं पहली दफा देख रहा हूं। I can't believe this कि हमारे सर के साथ ये सब हुआ। हमें कॉल किसने किया था? लोग सीआईडी से। मैंने किया था। वो कहाँ है? अंदर। और वो लड़की, वो भी है उनके साथ? हाँ सर। सर, हम लोग तब से यहीं पे खड़े हैं ताकि वो कहीं भाग ना पाए। ठीक है, आप लोग यही रुकिए, जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे। पंकज पूर्वी, जाकर उस लड़की से बात करो, हैं? और अभिजी, इस भानुकर के पूरे स्टाफ से जरा बातचीत तो करो, पूछताछ करो, देखो असल में हुआ क्या था यहाँ पर। सर, देखिए मिस बिंदु, पहले तो आप रोना बंद कीजिए। नहीं सर, कोई घाव या चोट का निशान तो है नहीं, किसी ने हमला तो नहीं किया इस पे, अंदरूनी शॉक की वजह से ही मौत हुई। हार्ट अटैक या ब्रेन हेमराज? इनको तो आज मरना ही था। क्या कहा आपने? इनको तो आज मरना ही था। क्या क्या मतलब है इसका? सर, मतलब ये कि वो तो लिखा हुआ था, इनका मरना तो पहले से तय था, मैंने इनको नहीं मारा। तो पहले से पता था? मिस बिंदु, इनकी मौत हुई है, ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है जो पहले से फिक्स होगी। बिंदु, एक बात बताओ, जब भानुकर की मौत हुई तब इस कमरे में सिर्फ तुम अकेली थी, है ना? है ना? जी सर। तो फिर अब बताओ, सच सच बताओ, क्या क्या हुआ यहाँ पर? तो आप सब भानुकर जी से पहले सुबह ऑफिस में आते हैं, आज सुबह क्या हुआ था जरा डिटेल में बताएंगे आप लोग? हाँ सर, भानुकर सर इतने बड़े और फेमस एस्ट्रोलॉजर है, मेरा मतलब है कि थे, कि सुबह से ही उनके लिए नॉनस्टॉप फोन कॉल्स आते थे। ओह गॉड, फाइनली 5 मिलियन फॉलोवर्स। भानुकर सर ने आपसे क्या कहा था कि जब भी आप बिजनेस के सिलसिले में अब्रॉड जाएं तो घर से निकलने से पहले आप अपनी बिल्ली का चेहरा देखें, अपनी बीवी का नहीं। लेकिन आपने क्या किया, आपने अपनी बीवी का चेहरा देखा और अब देखिए आपका प्रोजेक्ट जो है वो पोस्टपोन हो गया। गेस व्हाट? व्हाट? सर ने अरब कपूर की मूवी के बारे में जो प्रेडिक्ट किया वो सच हो गया। रियली? मूवी ने एक ही हफ्ते में 100 करोड़ कमा लिए। ये आरव कपूर तो पागल हो गया होगा। हाँ यार, देखिए तो लगता यही है, अपनी वाइफ और गर्लफ्रेंड दोनों को अपनी क्लाइंट लिस्ट में शामिल करवाना चाहता है। यस मैम, मैंने सुन लिया है आपने जो कहा, आपका पेट घोड़ा भाग गया है ना, आप सर से आकर मिल लीजिए, आपका पेट घोड़ा वापस आ जाएगा। ट्यूजडे 9 AM मैम, आप टेंशन मत लीजिए, सर आपसे पहले आ जाएंगे। मिस्टर भानुकर इज ऑलवेज ऑन टाइम, शार्प 9 AM। गुड मॉर्निंग भानुकर सर, अभी मैंने वेबसाइट चेक किया, अब आपके ऑफिशियली 5 मिलियन फॉलोवर्स हैं। 50 लाख सर। 50 लाख? ये तो बहुत बैड न्यूज है सर। हाँ, आज तुम्हारा बॉयफ्रेंड नंबर 15 भी तुम्हें डंप करने वाला है, पिछले 14 बॉयफ्रेंड्स की तरह। बैठो, शॉक में करने जाना, बैठो बैठो। लिली। यस सर। आज हमारा पहला क्लाइंट कौन है? मिसेस बिंदु। मिसेस बिंदु, उनको एग्जैक्टली 9:30 बजे अंदर भेज दो। श्योर सर।
मतलब सब कुछ नॉर्मल था? जी सर, जब भानुकर सर ऑफिस आए तो वो एकदम नॉर्मल थे और उनकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक थी। झूठ! तुम कुछ हमसे छुपा रही? अगर भानुकर की तबीयत ठीक होती तो फिर इतनी सारी दवाइयां किस लिए? ये सांस लेने का नेबुलाइजर क्यों? अरे वो तो भानुकर सर को थोड़ी सी ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, इसीलिए डॉक्टर ने उन्हें नेबुलाइजर यूज करने कहा था। अच्छा, आज सुबह पहला अपॉइंटमेंट किसका था? मिसेस बिंदु, ठीक 9:30 बजे आ गई थी, हमेशा की तरह कंप्लेंट करते हुए हाथ धो के सर के पीछे पड़ गई थी। और सर, जैसे ही मिसेस बिंदु केबिन के अंदर गई, ठीक 10 मिनट बाद यानी कि 9:40 को सर के केबिन से जोर की चीख सुनाई दी। यही मिसेस बिंदु ने सर का खून किया है सर। नहीं सर, मैंने भानुकर जी को नहीं मारा है। अरे इनको तो मरना ही था, क्योंकि इनके मरने का समय पहले से तय था। एस्ट्रोलॉजर भानुकर जी नहीं, आप हैं। हाँ? आपने प्रेडिक्शन किया था इनकी मौत का? सर मैंने कोई प्रेडिक्शन नहीं किया था, वो सब तो यहाँ लिखा है। जो अपनी मौत का आते हुए नहीं देख सकता, वो तुम्हारा फ्यूचर क्या देखेगा? क्या ये? सर आज सुबह भानुकर जी, आज फिर से वही हुआ मेरे साथ। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 5वीं बार मेरा पति मुझे छोड़कर भाग गया। आप बताइए, क्या गलती क्या है मेरी, दोष क्या है मेरा? दोष तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी कुंडली का है। मुझे पहले से पता था कि आज तुम्हारा पति 5वीं बार तुम्हें छोड़कर भागेगा, इसलिए इस बार मैंने ऐसा उपाय ढूंढ के निकाला है कि तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर कभी नहीं भागेगा। तुम भगाओगी तब भी नहीं भागेगा। जाओ उस कमरे में एक बार फिर से जाओ, और उसी अलमारी में ऊपर से 3rd rack में 22-7 फाइल में तुम्हारे कुंडली दोष का उपाय मैंने पहले से लिख रखा है। लेकिन भानुकर जी। जाओ तुम, पहले उपाय पढ़ लो, फिर कोई सवाल ही नहीं रहेगा। जो अपनी मौत को आते हुए नहीं देख सकता, वो तुम्हारा फ्यूचर क्या देखेगा? भानुकर जी, ये क्या फालतू मजाक है? ये मेरी भविष्यवाणी नहीं बल्कि आपकी। सर आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए, अरे मैं तो उस कमरे में अपनी भविष्यवाणी देखने गई थी। मुझे क्या पता था कि वहां मुझे मिस्टर भानुकर जी की मौत की भविष्यवाणी मिलेगी। मतलब तुम्हारा बॉस भानुकर, जो इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर था, इतने आलीशान ऑफिस में बैठता था, वो लोगों की भविष्यवाणी एक पुराने से पेपर में लिख के उस पुरानी अलमारी में रख देता था। हाँ सर, भानुकर सर हमेशा अपने प्रेडिक्शंस ऐसे ही करते थे सर। और कवर्ड में कौन से क्लाइंट का पेपर कहाँ रखा है ये उनको कौन बताता था? वो क्लाइंट की बर्थ डेट और अदर डिटेल्स लेके सर कुछ कैलकुलेशन करते थे, वैसे ही उनको मालूम चलता था। अच्छा, बिंदु बाहर जाकर हमारा इंतजार करना। मिसेस बिंदु की बातें मुझे किसी पहेली से कम नहीं लग रही है सर। आदय, पर हो ना हो, इस पहेली का जवाब हमें भानुकर की उस अलमारी में ही मिलेगा। तेरी जितनी भी फाइल्स अलमारी में है, सब में अलग अलग लोगों की भविष्यवाणी लिखी है। सर मैंने तो सुना था एस्ट्रोलॉजर्स लोगों का फ्यूचर बताने के लिए बड़ी सारी फैंसी चीजें यूज करते हैं, जैसे क्रिस्टल बॉल्स, बड़े बड़े आईने वगैरह वगैरह। लेकिन ये भानुकर लोगों का फ्यूचर बताने के लिए अलमारी, ये पुराने पेपर्स यूज करता था, कुछ समझ में नहीं आया। अब समझेगा भी कैसे? काम करते हैं, ये सारी की सारी भविष्यवाणियां लेकर चलते हैं और भानुकर की लाश को फॉरेंसिक लैब भेजते हैं। पता तो चले उसकी मौत हुई कैसे। तो मैं जा सकती हूँ ना? देखिए, मुझे जो कुछ भी पता था ना, मैंने आप लोगों को सब बता दिया। ठीक है,
जब तक ये केस खत्म नहीं होता हमारे परमिशन के बगैर तुम कहीं नहीं जाओगी। जा सकती हो तुम। थैंक यू सर। और आप लोग भी भानुकर का खून उनके ही किसी क्लाइंट ने किया है, इसलिए उनके सारे क्लाइंट की हिस्ट्री और डिटेल्स चाहिए हमें। सर मैं लिस्ट बना के दे दूंगी आज ही। आज नहीं, अभी। आप सबके लिए ऑफिस का आखिरी दिन है आज। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता ऑफिस बंद रहेगा। और आप लोग ये समझ गए होंगे सब पे नजर है हमारी, इसलिए कोई भी होशियारी करने की कोशिश मत करना, ठीक है? लिस्ट अभी लेकर आती हूँ सर। ये भानुकर दूसरों की जिंदगी की भविष्यवाणी करता था, इसके मौत की भविष्यवाणी किसने की? प्रिय, इस भानुकर के जितने भी सारे क्लाइंट्स हैं, इनकी पूरी हिस्ट्री निकालो, एक एक डिटेल। अब इनके कॉल डिटेल्स भी निकालो, पता करो कि मर्डर के दिन, मर्डर से पहले और उसके बाद ये लोग कहाँ थे। इतने बड़े फ्रॉड के 5 मिलियन फॉलोअर्स, पब्लिक को बेवकूफ बनाना कितना आसान हो गया है। पूर्वी पब्लिक को बेवकूफ बनाना आसान है पर मेडिकल साइंस को नहीं। पीपल्स की टेस्टिंग हो रही है, पता चल जाएगा। एक काम करते हैं, इस भानुकर के जितने भी क्लाइंट्स हैं ना सबको बुला लेते ब्यूरो में, पता तो चले ऐसा कौन सा सिक्स सेंस, ऐसी कौन सी स्पेशल पावर इस भानुकर के पास थी जो इतने सारे लोगों को उल्लू बनाया उसने। फ्रेडी ये कुशल जी बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर ले आओ इन्हें। अंदर तो मैं ले आता सर, लेकिन यहाँ मुहूर्त का इंतजार हो रहा है। क्या? मैं ठीक 11:40 पर आपके ऑफिस में एंटर करूंगा ताकि मैं इंट्रोगेशन में छूट जाऊं और आप मुझ पर शक ना करो। और ये तुम हमको कह रहे हो? सॉरी सर। कमाल है यार, ये ऐसे कैसे कॉलेप्स हो गया? भानुकर जी को कब से जानते हो? पिछले 2 साल से जानता हूँ। वैसे क्या बिजनेस क्या है आपका और भानुकर जी ने आपकी कैसे मदद की? जी मैं बिल्डर हूँ और मेरी ना जाने कितनी ही बिल्डिंग भानुकर जी ने गिरने से बचाई। बिल्डिंग बचाई? वो कैसे? जी जिस प्लॉट का वास्तु उन्हें ठीक नहीं लगता था वो प्लॉट मुझे वो डोनेट करने के लिए बोल देते थे। मेरा काफी नुकसान होने से बचाया उन्होंने। अच्छा, उनका कोई प्रेडिक्शन, कोई भविष्यवाणी कभी गलत हुई है? कभी नहीं सर, उनमें एक अद्भुत शक्ति थी, उन्हें आने वाले टाइम का सब पहले से ही पता चल जाता था। भानुकर जी ने बताई हर बात से इनका फायदा ही फायदा हुआ है ना? वैसे आप आखिरी बार कब मिले भानुकर जी से? मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा था, उसी के सिलसिले में मैं उनसे मिला था। एक अनाथ आश्रम में 10 लाख रुपए डोनेट करने के लिए बोला था। अच्छा, और कहा था कि जैसे ही मैं वो काम कर दूंगा मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। तो 10 लाख रुपए आपने डोनेट किए? जी हाँ। और वो कॉन्ट्रैक्ट? जी वो तो मेरे को मिलना ही था क्योंकि भानुकर जी ने मेरे को बोला था कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा आपको। ठीक है, आप जा सकते हैं। सॉरी सर, मैं पूरे 2 मिनट के बाद यहाँ से निकलूंगा। इतने सारे पेपर्स में से मैं सबसे पहले ये वाला पेपर एग्जामिन करती हूँ, भानुकर की मौत का प्रेडिक्शन वाला पेपर, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये इंक कितने साल पुरानी है। इस पे क्या लिखा हुआ है सन, क्या लिखा है? 2010। यकीन नहीं हो रहा है सर, ऐसा कैसे हुआ? उनकी वजह से मेरी शीना के साथ शादी हुई, मुझे नौकरी मिली, बहुत कुछ किया था उन्होंने हमारे लिए। अच्छा रमन जी, ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों में आप लोग कहाँ पे थे? भोपाल में थे हम 2 हफ्तों से। क्या कर रहे थे आप दोनों भोपाल में? भानुकर जी ने इन्हें उपाय बताया था हमारी तकलीफें दूर करने के लिए, कहा अपने गांव जाओ और 10 बेघर लोगों का परिवार ढूंढ के उनके लिए घर बनवाओ। उन्होंने कहा और इन्होंने मान लिया, दूसरों का घर बनाने के लिए अपना ही घर बेच दिया। हो गई हमारी सारी तकलीफें दूर, बोल बोल के थक गई मैं इन्हें कि ज्योतिषों के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन मेरी सुने तब ना। इन्हें तो भानुकर जी के सिवाय किसी की आवाज सुनाई देती ही नहीं थी। अच्छा वो चले गए, जान छूटी हमारी उस ढोंगी भानुकर से। 2010 और कागज पे एक को सूखने में लगते हैं 3 से 3.5 साल। You're right, sir. इंक डेटिंग मेथड से एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये इंक कितने साल पुरानी है। वो एक नंबर का ढोंगी था, वो लोगों को ये विश्वास दिला देता था
कि उसको उनका फ्यूचर पहले से ही पता था। शिवन जी आप कहना क्या चाहते हैं, जरा खुल के बताइए। आपको पता था कि मैं आज मरून शर्ट पहन के आने वाला हूँ? नहीं, आज सुबह तक मुझे भी पता नहीं था कि मैं मरून शर्ट पहनने वाला हूँ, लेकिन भानुकर को पता होता था, वो भी सालों पहले, कि मैं आज के दिन मरून शर्ट पहनने वाला हूँ। काश मुझे एक मौका मिला होता तो मैं पूरी दुनिया को बता देता कि वो कितना बड़ा फ्रॉड है। बीमार था मैं, डॉक्टर की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भानुकर जी ने कहा 10 किलो सोना किसी बेसहारा औरत को दान कर दो। मैंने किया, एक हफ्ते में मैं बिल्कुल ठीक हो गया। जो डॉक्टर नहीं कर पाए मेरे लिए, वो भानुकर जी ने किया। ज्योति तुम्हें क्या लगता है भानुकर जी के बारे में? मेरी कभी उनसे बात नहीं हुई। बात नहीं हुई? तुम्हारे लिए कभी भविष्यवाणी नहीं की क्या उन्होंने? की, लेकिन उसमें से एक भी सच नहीं हुई। और सच कहूं तो मुझे वो इंसान आज तक समझ में ही नहीं आया, अजीब था। भानुकर के सारे क्लाइंट ऐसे दुखी और परेशान है, ऐसे लग रहा है जैसे उनका कोई सगा, कोई रिश्तेदार मर गया हो। इनकी बातों से एक बात तो समझ में आ रही है सर, ये भानुकर इनको उपाय देने के नाम पे इनसे पैसे बटोर रहा था, ज्योतिष के नाम पे बिजनेस, और किसी ने उसी के धंधे में उसी को मात दे दी। आसान की बोल क्या? इसके सारे ऑर्गन्स पहले तो अचानक एक साथ कंजेस्ट हुए और फिर कोलैप्स हो गए। सबसे पहले लंग्स, फिलहाल तो गैस्ट्रो के सिम्टम्स हैं। इसे डायरिया या नौशिया हुआ होगा, फिर अचानक इसके शरीर में अजीब सी जलन होने लगी और फिर इसके शरीर के सारे सेंसेशन नम होने लगे। सबसे पहले जबान, फिर मुंह और फिर बाकी के सारे अंग धीरे धीरे कोलैप्स हो गए, इसीलिए मर गया। सीधे शब्दों में इसकी मौत हुई है हेमरेज या किसी बहुत बड़े शॉक की वजह से, और यह हुआ है किसी जहरीले केमिकल की वजह से, और वो केमिकल कौन सा है फिलहाल पकड़ में नहीं आ रहा है। तो कब आएगा? जल्दी आएगा। ठीक है। जनरली एक नॉर्मल हेल्दी इंसान को ऐसा हेमरेज होता नहीं है, और इसे तो कोई बीमारी भी नहीं थी, सिर्फ हल्का सा कंजेशन था लंग्स में। अच्छा, तो इसीलिए ये नेबुलाइजर इस्तेमाल करता था। एग्जैक्टली, और मुझे लगता है बॉस उस नेबुलाइजर के जरिए ही वो जहरीला केमिकल इसके लंग्स में पहुंचा है, इसीलिए सबसे पहले इसके लंग्स कोलैप्स हुए। मैंने वो नेबुलाइजर भेज दिया टेस्ट करने के लिए, जल्दी पता लग जाएगा कि आखिर वो कौन सा केमिकल था जिसकी वजह से इसकी मौत हुई। तो मेरा शक सही निकला। क्या? भानुकर की मौत का प्रेडिक्शन जिस इंक से लिखा गया था वो इंक पुरानी नहीं है बल्कि एकदम फ्रेश है। क्या? हाँ सर, ये इंक अभी तक पूरी तरह से सूखी भी नहीं है। इसका मतलब भानुकर की मौत की भविष्यवाणी अभी हाल फिलहाल में लिखी गई होगी। मतलब कब लिखी गई होगी? शायद आज सुबह। ये देखिए, ना तो ये इंक पुराना है और ना ही ये पेपर। जब मैंने इस पेपर को इस सॉल्यूशन में डाला तो देखिए क्या निकला। ये तो बिना दूध की चाय लगती है। You're right, sir. ये चाय ही है। इसका केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल चाय के केमिकल कंपोजिशन जैसा है। ये पेपर नया है, वो भी लोकल। सिर्फ उसको चाय के पानी से डाई किया है। ताकि ये पेपर पुराना लगे। मतलब हमारा शक सही निकला है। ये भानुकर कोई ज्योतिष वोतिष नहीं,
फ्रॉड एक फ्रॉड। लेकिन सर वो सारी इंफॉर्मेशन जो उस पेपर में लिखी हुई होती थी वो सच कैसे निकलती? हाँ सर, बानुकर के क्लाइंट इतने बेवकूफ तो होंगे नहीं कि उनके सामने लिख के दे और उन्हें पता भी ना चले। पेपर में इंफॉर्मेशन आती कहां से होगी? अलमारी, भानुकर की अलमारी। इस भानुकर की अलमारी ही हमें इस सवाल का जवाब देगी। दिसंबर, जल्ला, तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली, मैं तुमसे तुम्हारा फ्यूचर छीन लूंगा, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, तुम्हारी अपनी भविष्यवाणी भी नहीं। 1,00,000 से ज्यादा कमेंट्स है यहाँ पे, ये कुछ 10 से 15,000 तो मैं पढ़ चुकी हूँ। कितनों ने भानुकर की तारीफ की है, थैंक यू बोला है, लेकिन ये तो सीधा सीधा धमकी दे रहा है, वो भी बोल लेटर्स में। क्या है ये? तारिका, तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारे भानुकर सर का खून कैसे हुआ ये हमें पता चल चुका है। उनके नेबुलाइजर में किसी ने खतरनाक केमिकल मिला दिया था जिसकी वजह से पहले उनके लंग्स फेल हो गए और बाद में सारे ऑर्गन। अब सवाल ये उठता है कि ये काम तुम में से किसने किया? हमें से? सर, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? हम मानू को सर को क्यों मारेंगे? हम सब सर की मौत से इतने शॉक थे कि हम कमल को ढूंढ रहे हैं। कमल? ये कमल कौन है? भानुकर सर का भतीजा जो उनके साथ इसी ऑफिस में काम करता है और उनके साथ उनके घर पे भी रहता है। कमल तो भानुकर सर का राइट हैंड था सर, और तो और सबसे ज्यादा काम के सिलसिले में विश्वास उसी पे करते थे सर। हाँ सर, और भानुकर सर की मौत के बाद हमने कमल को कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन कल से कमल का कोई अता पता नहीं। हाँ सर, कमल भानुकर सर की मौत के बारे में जरूर कुछ ना कुछ जानता है, तभी तो इस तरह से अचानक गायब हो गया है। वो हम देखते हैं, आप लोग जा सकते हैं। दया, अरे यार, कहानी में एक नया कैरेक्टर आ गया है। कमल भानुकर का भतीजा है, उनके साथ उन्हीं के घर में रहता है। मुझे लगता है कि भानुकर की अनमारी का राज ये कमल ही खोल सकता है। पकड़ो उसको। नहीं नहीं, मैं इधर ही हूँ यार, तुम देख लो। मैं जरा भानुकर के ऑफिस को अच्छी तरीके से देखता हूँ, क्या पता मुझे मेरा फ्यूचर यहाँ मिल जाए। कमाल है, इतना बड़ा घर, कोई वॉचमैन नहीं, कोई नौकर नहीं, ऊपर से दरवाजा खुला है। कोई खाना खा के निकल भी गया तो भी पता नहीं चलेगा। कमाल है। रेडी, तुम घर के अंदर देखो, तब तक हम आउटहाउस में देखते हैं। बॉडी बुरी तरह से अकड़ चुकी है, तब तक से मेरा कम से कम
6 से 8 घंटे हो गए हैं। गुना घोट के मारा है। एक मिनट। गुना घोट के मारा है तो ये तड़पा तो होगा। अगर यहाँ पे हाथापाई के कोई निशान नहीं, सारी चीजें अपनी जगह पे हैं। मतलब इसे कहीं और मारा है सर? हो सकता है पंकज, हो सकता है उन लोगों ने कमल को कहीं और मार के उसकी लाश को यहाँ पे लाके फेंक दिया। सर, अगर इसे मारना ही था तो इतना टॉर्चर क्यों किया? पंकज, ऐसा लगता है कि जिसने भी इसे मारा है मानसिक रूप से बीमार था वो, या फिर वो कमल से कुछ इंफॉर्मेशन उगलवाना चाहता था। सर, अरे मर गया। सर, पूरा घर छान मारा, घर में कोई नहीं है, और पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि यहाँ पे सिर्फ चाचा भतीजा ही रहते थे। अरे ये सारा स्टाफ कहाँ गया? भूल गए कल दया सर ने क्या कहा था, अब से ऑफिस बंद है। अरे लेकिन अभिजीत सर तो होने चाहिए ना। अभिजीत सर मैं आओ। सर, सर सर आप ठीक तो हैं? आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है सर। वो कमल को किसी ने जानता, सब जानता, कमल का भी किसी ने खून कर दिया। अरे तो फिर आप भानु करके कैबिन में क्यों बैठे? मैं यहां तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारा फ्यूचर बताने के लिए। हमारा फ्यूचर? क्यों पंकज, तुम्हें जानना है ना कि तुम्हारी शादी कब होगी? हाँ सर। और तुम्हें नहीं जानना कि तुम्हारा प्रमोशन कब होगा? अरे ये रो क्यों रहे हो? मैं रो नहीं रहा हूं पंकज, ये खुशी के आंसू हैं। अरे पहले अपना फ्यूचर जान तो लो। वहां उस कमरे में है तुम्हारा फ्यूचर। उस कमरे में जो अलमारी है उसके 6 नंबर खाने में बाएं से तीसरी फाइल में लिखा हुआ है कि तुम्हारा प्रमोशन कब होगा। गो। छह नंबर छह नंबर बाएं से तीसरी फाइल 1 2 3 इसमें है मेरा भविष्य। अरे तो जल्दी से देखो ना आपका भविष्य। अरे क्या हो गया, फिर से क्यों रो रहे हो? अरे पंकज इसमें लिखा है कोशिश करते रहो, आपका प्रमोशन आपके रिटायरमेंट तक हो जाएगा। अभिजीत सर, मैं ही मिला था आपको टांग खींचने के लिए। अभिजीत सर बाहर होंगे। अभिजीत सर अरे मैं आओ। सर अभिजीत सर किधर है? अलमारी के पीछे। अरे कहां अलमारी के पीछे? अरे दूसरी अलमारी खोलो। अरे देख क्या रहे हो, धक्का मारो। अरे किधर है? समझ में नहीं आ रहा अभिजीत सर आप क्या बोल रहे हैं। अलमारी को धक्का मारो, अंदर आओ। अभिजीत सर, फ्रेडी सर, फ्रेडी सर। क्या बात है सर, आखिर आपने इस अलमारी का राज फाश कर ही दिया। पंकज एक काम करो, ये भानुकर के जितने भी एम्प्लॉय है ना उनको जरा फिर से बुलाओ यहाँ पे, उनसे बातचीत करनी है। जी सर। सर थोड़ा थोड़ा तो मेरी समझ में आ रहा है, लेकिन एक बात बताइए कि आप भानुकर के कैबिन से इस अलमारी के पीछे कैसे पहुंचे?
फ्रेडी, जब मैंने भानुकर के केबिन का फिर से जायजा लिया तो भानुकर की बालकनी से एक खुफिया दरवाजा निकलता है। जानते हैं वो दरवाजा कहां पे खुलता है? कहां पे सर? यहां इस अलमारी के पीछे, जहां पे बैठ के मैंने 2 मिनट में तुम्हारी भविष्यवाणी लिख दी। भानुकर फ्रॉड था ये तो हमें पता था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्लाइंट को जो भविष्यवाणियां उसे देनी होती थी वो सही समय पे इस अलमारी तक कैसे पहुंचती थी। फिर मुझे श्रवण की बात याद आई। आज सुबह तक मुझे भी पता नहीं था कि मैं मरून शर्ट पहनने वाला हूँ, लेकिन भानुकर को पता होता था, वो भी सालों पहले, कि मैं आज के दिन मरून शर्ट पहनने वाला हूँ। श्रवण की तरह बाकी क्लाइंट्स को भी यही लगता था कि भानुकर ने उनका भविष्य पहले से अलमारी में लिख के रखा हुआ है, लेकिन बात कुछ और थी। भानुकर उनके क्लाइंट्स के अलावा कोई और भी था जो माइक्रोफोन और कैमरे की मदद से उनको देखता था और उनको सुनता भी था। हाँ सर, कमल। यस, कमल। वो कमल ही था जो भानुकर उनके क्लाइंट्स की बातें सुनकर यहाँ इसी टेबल पे बैठकर उनका भविष्य लिखता था, और इसके पहले कि क्लाइंट्स अलमारी तक पहुंचे वो उनका भविष्य उनकी फाइल में रख देता था। चलो, इस अलमारी का राज फाश तो हुआ फ्रेडी। सर, मैंने आपको एक स्नैपशॉट भेजा था, आपने चेक किया? हाँ, पढ़ा मैंने। ये तो साफ साफ मर्डर की धमकी दिख रही है। एग्जैक्टली सर, मैं आपको समझाती हूँ। 6 दिसंबर दोपहर 12:41 पे जल्लाद नाम के एक भानुकर के एक फॉलोअर ने उसी की वेबसाइट पे एक धमकी वाला कमेंट पोस्ट किया था। अभी मैं तारिका के साथ हूँ, मैं आपको भानुकर की मौत के प्रेडिक्शन वाले लेटर के स्नैपशॉट भेज रही हूँ, आप चेक कर लीजिए। एक सेकेंड। जो अपनी मौत को आते नहीं देख सकता वो तुम्हारा फ्यूचर क्या देखेगा? जो अपनी मौत को आते नहीं देख सकता वो तुम्हारा फ्यूचर, फ्यूचर। रूबी, तुमने जो दोनों स्नैपशॉट भेजे हैं ना, उसमें एक कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक है फ्यूचर की। अब कड़ियां जुड़ने लगी हैं। भानुकर और इस कमल का खूनी जल्लाद ही है। अब इस जल्लाद तक हमें पहुंचना होगा। सर, जिस कंप्यूटर से ये कमेंट पोस्ट किया गया है उसका आईपी एड्रेस मैंने ट्रेस कर लिया। वेरी गुड, एड्रेस क्या है? एक्सक्यूज मी। यस सर। सीआईडी। सीआईडी हमारे होटल में? हाउ कैन आई हेल्प यू सर? देखिए, हम लोग एक खूनी को ढूंढ रहे हैं। तो 6 दिसंबर 2016 को आपके इस कॉफी शॉप में आया था, दोपहर को करीब 12 से 1 के बीच में। नो नो ऑफिसर, आई एम श्योर आपको कोई कंफ्यूजन हुआ है। देखिए, हम सीआईडी बिना यकीन के किसी के गिरेबान पे हाथ नहीं डालते। उस खूनी ने किसी के वेबसाइट पे कमेंट पोस्ट किया था और उस कमेंट के आईपी एड्रेस को ट्रेस करके ही हम यहाँ तक पहुंचे। एक काम करिए, ये जो सीसीटीवी कैमरा लगा है ना, इसकी फुटेज दीजिए हमें 6 दिसंबर 2016 की। सर, 6 दिसंबर 2016 की फुटेज तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम हर हफ्ते फुटेज डिलीट कर देते हैं। अपने मेंबर्स को बहुत सारे ऑफर देते हैं आप लोग, काफी सारे मेंबर्स हैं आपके होटल के। जी सर। एक काम करिए, 6 दिसंबर 2016 को 12 से 1 बजे के बीच आपके पास जितने भी कस्टमर आए थे उनकी बिल की रिसिप्ट चाहिए। ओके सर। और आपके जितने भी मेंबर्स हैं उनकी भी लिस्ट दीजिए हमें। जी सर। वो भी ठीक से चेक कर लिया था ना, यहीं का एड्रेस था? हाँ सर। सर, मुझे पूरा यकीन है, ये जो मेंबर्स और कस्टमर्स की लिस्ट देंगे उनमें से एक नाम जरूर ऐसा होगा जो भानुकर की क्लाइंट लिस्ट में भी होगा। हाँ सर, जैसे इंफॉर्मेशन मिलती है आपको कॉल करता हूँ। जी, या ओके सर। सर, ये रही होटल के मेंबर्स और कस्टमर्स की लिस्ट, और ये रही भानुकर की क्लाइंट लिस्ट। सर, इसमें एक नाम कॉमन है, ज्योति। और सच कहूँ तो मुझे वो इंसान आज तक समझ में ही नहीं आया, अजीब था। इस ज्योति को जरा फिर से ब्यूरो में बुलाओ, पता चल जाएगा कि इस होटल के आईपी एड्रेस से भानुकर को वो जो धमकी वाला कमेंट पोस्ट किया गया था उसके पीछे ज्योति का हाथ है या किसी और का। सर,
ज्योति 6 दिसंबर 2016 को दोपहर 12 और 1 बजे के बीच तुम होटल कॉफी डे के कॉफी लाउंज में बैठी थी, आया ना? उसी समय जब भानुकर की वेबसाइट पर किसी ने उसे जान से मार डालने की धमकी दी थी। हम भी जानते हैं और तुम भी, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। हाँ, मैं थी वहां पे, मैं वहां की गोल्ड मेंबर हूँ तो अक्सर जाया करती हूँ। उस दिन भी गई थी अपने दोस्त के साथ। फ्रेंड? कौन फ्रेंड? वो लंदन से आया है, आया था, अब वो इंडिया में नहीं है। आप एक काम करिए, आप अपने दोस्त का नाम, उसका फोन नंबर और आप उससे क्यों मिली थी, इसकी जरा डिटेल लिख दीजिए। लिखूं? हाँ, लिखो। जा सकती हो तुम। ज्योति इंटरप्राइजेज में फोन लगाओ, छोटा सा काम है मेरा। आप लोग यहां देखिए, मुझे जितना भी पता था मैंने आपको सब बता दिया, तो फिर आप? हाँ, पता है। हम भी आपको यहाँ पे कुछ बताने आए हैं। तुम्हारे फ्रेंड से बात हुई हमारी? वही लंदन वाला। वो तो कह रहा था कि तुम लंदन शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रही हो किसी पर्सनल रीजन की वजह से। CID? क्या चल रहा है यहाँ पर सब? क्या पूछताछ कर रहे हैं मेरी बेटी से? जरा सब्र रखो उत्तम जी, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। अच्छा ज्योति, याद है तुम्हें हमने तुमसे कल डिटेल्स क्यों लिखवाई थी? ताकि भानुकर की मौत की प्रेडिक्शन वाली हैंडराइटिंग के साथ तुम्हारी हैंडराइटिंग मैच कर सके। और पता है क्या हुआ? हैंडराइटिंग मैच हुई नहीं। सब क्या चल रहा है, हैंडराइटिंग मैच एंड ऑल? आप लोग साबित क्या करना चाहते हैं? अरे वो आपको बताना भूल गए, हम लोग आपके ऑफिस गए थे, ज्योति इंटरप्राइजेस, आपके हाथ के लिखे हुए कुछ नोट्स चाहिए थे हैंडराइटिंग के लिए। मेरी हैंडराइटिंग? हाँ, ज्योति की हैंडराइटिंग तो मैच नहीं हुई, तो सोचा आपके मैच करके देखते हैं, और वो मैच हो गई। आपकी हैंडराइटिंग और भानुकर की मौत की प्रेडिक्शन वाली हैंडराइटिंग मैच हो गई। और आपको पता है कि कॉमन फैक्टर क्या है? अल्फाबेट F। What? जैसे ही हमें ज्योति ने बताया कि वो होटल की गोल्ड मेंबर है, तो हमने सारे मेंबर्स की लिस्ट देखी, उसमें आपका भी नाम निकला। तो क्या हुआ, मैं मेंबर हूँ? उसमें क्या बात हो गई? आप लोग साबित क्या करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? हम क्या कहना चाहते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्यों जल्लाद जी, अब समझ में आया कि? और बताओ कि कैसे तुमने भानुकर को मारा? मैं भानुकर को क्यों मारूंगा, वो तो मेरे गुरु थे। भानुकर की वेबसाइट पे धमकी तुमने दी थी? नहीं। हैंड राइटिंग मैच हो गई मिस्टर उत्तम? नहीं। और जिस तार से तुमने कमल का गला घोटा था, उस तार पे हमें तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले? हो ही नहीं सकता, मेरे निशान वहाँ पर नहीं हो सकते। हमारे पास उंगलियों के निशान है मिस्टर उत्तम। मेरे निशान वहाँ पर नहीं मिल सकते, मैं कह रहा हूँ कि नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते। तो नहीं मिल सकते, ये रिपोर्ट झूठ है, क्योंकि मेरे ग्लव्स पहने हुए थे। चलो अच्छा है, सच तुमने खुद उगल दिया। वैसे सच्चाई ये है कि हमें कोई उंगलियों के निशान नहीं मिले थे, हम ये सच तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। अब बताओ क्यों किया? मेरा बिजनेस बिल्कुल ठंडा चल रहा था, पैसे की बहुत परेशानी थी मुझे। उन्हीं दिनों ज्योति के लिए एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के बेटे का रिश्ता आया, उन्होंने कहा कि वो सबनी होने के साथ साथ बिजनेस पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं। ज्योति को लौटा पसंद आ गया था, बात पक्की हो चुकी थी, मुझे लगा कि मेरे सारी पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और ज्योति को एक अच्छा लड़का मिल जाएगा, उसकी एक अच्छे घर में शादी हो जाएगी। एक महीने बाद लड़के के बाप का फोन आता है और वो कह रहे थे उस भानुकर ने उनसे कहा कि मेरी बेटी की कुंडली में दोष है, मेरी तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई, मेरी बेटी की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी।
फिर एक दिन मुझे पता चला कि उस लड़के की शादी किसी और लड़की से हो रही है और वो लड़की भानुकर ने उसके लिए ढूंढी थी। ज्योति ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकी। होटल की कॉफी शॉप में ज्योति ने मुझसे कहा यहां से दूर जाना चाहती है, लंदन। मेरा खून खौल रहा था कि मेरी अपनी बच्ची मुझसे दूर जा रही है उस भानुकर की वजह से। तभी गुस्से में तुमने वो धमकी वाला कमेंट वेबसाइट पे भेजा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि तुम्हारी धमकी वाले कमेंट में और भानुकर के मौत के प्रेडिक्शन वाले लेटर में एक कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक थी, फ्यूचर। और यही गलती हमें तुम तक लेके आई। मुझे पता था, मुझे अच्छी तरह से पता था कि वो एक नंबर का फ्रॉड है, लेकिन मुझे पता करना था कि वो लोगों की आंखों में धूल कैसे झोंकता। मैंने उस पर नजर रखी और मैंने देखा कि उसके ऑफिस में सबसे पहले कमल आता है। मैं समझ गया कि सच मुझे उसी से पता चलेगा। कमल, गाड़ी में बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ड्राइवर चलो। बोल बोल बोल, तुम चाचा भतीजे मिलके कैसे दुनिया को बेवकूफ बनाते हो? बोल, रुको, चुप हो बैठो। और भानुकर को फोन करके बोल आज रात तू घर नहीं आएगा, सुबह ऑफिस आएगा सीधा, समझो? भानुकर ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, उसे तो मरना ही था। अगर उसे जिंदा छोड़ देता ना तो अपनी बेटी को देख देख कर हर पल मैं मरता रहता। डैड, हम समझ सकते हैं कि आपने जो कुछ भी किया एक बाप होने के नाते किया, लेकिन भानुकर को मारने के बजाय अगर उसकी सच्चाई को दुनिया के सामने लाते हैं तो ज्योति जैसी कई लड़कियों की जिंदगी बच जाती। आखिर तुमने भी वही किया जो भानुकर किया करता था, वो झूठ बोलकर लोगों का फ्यूचर बिगाड़ता था और उसका खून करके तुमने अपना और अपनी बेटी का फ्यूचर बिगाड़ लिया। रेडी, चलिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.